जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा, यानी कि पहला वनडे इंटरनेशनल मैच होने वाला है। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से ना आपको इंटरनेशनल मैचेस स्टार्ट होते हुए देखेंगे, ठीक है? साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो मैच है इसको तो मैं कवर करने वाला हूँ, बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसको भी कवर करूंगा, बाकी अदर आपको जो भी मैचेस देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल मैचेस सबकी वीडियोज आपके लिए कवर करने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी आपको बढ़िया मैचेस देखने को मिलेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपके लिए ना अच्छे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। अब लगातार आपको ना 2-3 महीने भाई थोड़ा फोकस करके चलना है, क्योंकि जैसे ये ओडीआई मैचेस खत्म होंगे ना उसके बाद में जस्ट आपको फिर 31 तारीख से आईपीएल स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है? मतलब बढ़िया बढ़िया मैचेस अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस मैच के ऊपर अपना जो रहेगा वो मेनली फोकस रहेगा। कंप्लीट वीडियो देखना, डिटेल एनालिसिस आपको करके दूंगा, एक एक प्लेयर के बारे में फुल यहां पे स्टैट्स देखेंगे, वेन्यू के स्टैट्स देखेंगे, लो स्कोरिंग विकेट रहेगा या फिर हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है, तो किस प्रकार टीम का सिलेक्शन करना, ठीक है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज रहेगी, तो ध्यान से वीडियो देखना, कहीं पर भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नहीं हो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है वो 31 मार्च से, और पूरा आईपीएल आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से कवर करूंगा, आपको लगातार विनिंग्स में देने वाला हूं, इतना मेरा प्रॉमिस रहेगा, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप लोग जरूर से ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो फिर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर देखो आप लोग अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो ना भाई, बहुत कुछ मिस करोगे, तो सबसे पहले आपको काम करना है भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करना। किस प्रकार करोगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको सबसे ऊपर टॉप में पिंड कमेंट मिलेगा, वहाँ पे लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको देखो स्क्रीन पर जो है टेलीग्राम का नेम शो हो रहा होगा भाई Ankur Rao 99, ठीक है? टेलीग्राम पर अगर आप लोग जाकर सर्च भी करोगे Ankur Rao 99, ठीक है, तो आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, उसी को ज्वाइन करना। Ankur Rao नाम से आपको बहुत सारे फेक चैनल मिलेंगे, वो फेक चैनल ज्वाइन मत करना, Ankur Rao 99 अपना चैनल है, सिर्फ उसी को आपको ज्वाइन करना, ठीक है? किसी भी प्रकार ज्वाइन कर लेना, बट आपको ज्वाइन जरूर करना। टॉस के बाद में कोई भी अपडेट्स होंगे, फाइनल टीम में चेंजेस होंगे, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पे अपडेट किया जाएगा। मैच की बात करते दोस्तों, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे भाई स्टैट्स पे। देखो सबसे पहले ना बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्टैट्स डिस्कस करेंगे और फिर अपना एक टीम सेट करेंगे। वेन्यू की बात करूँ, बफेलो पार्क ईस्ट लंदन के वेन्यू पे यह मैच खेला जाएगा। टोटल इस वेन्यू पे 22 मैचेज हुए, 10 विन करे फर्स्ट बैटिंग ने, 12 विन करे सेकंड बैटिंग ने। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ दो मैच का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये दो मैच का जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? एवरेज स्कोर देखोगे पहले इनिंग का वो लगभग 226-230 के आसपास मान के चलो, और किसी भी ओडीआई मैच में 230 के आसपास का जो स्कोर है मेरे हिसाब से वो इनफ स्कोर नहीं है, ठीक है? यहीं पर अगर स्कोर होता मान लीजिए 270-275 या फिर 280, तो हम लोग ये कह सकते थे कि भाई आपको शायद यहाँ पे एक बढ़िया बैटिंग विकेट देखने को मिल सकता है, मतलब रन की उम्मीद करते, लेकिन यहां पे जो स्कोर है वो लगभग 230 के आसपास का है, मतलब कंडीशंस बैट्समैन को भी उतनी ज्यादा फेवर नहीं करेगी, मतलब यहां पे आपको गेंदबाज भी जरूर गेम में आते हुए दिखेंगे, बॉलर्स की इंपॉर्टेंस भी यहां पे उतनी ही रहेगी भाई जितनी कि आप लोग यहां पे बैट्समैन को प्रेफरेंस देने वाले हो, ठीक है? ये ध्यान रखना। सबसे जो बड़ा स्कोर है इस वेन्यू पे 369 रन से साउथ अफ्रीका के नाम, सबसे कम स्कोर इंग्लैंड 115। स्कोरिंग पैटर्न में भी देखोगे यहां पे ज्यादा बड़ा स्कोर बना नहीं है, क्लियर करूंगा आपके सामने, 300 से प्लस का जो स्कोर है वो सिर्फ 3 बार बना, और यहाँ पे 250 से 299 के बीच में 6 बार स्कोर बना। अब देखो दो टीम्स आपको मिलेगी, एक साइड है साउथ अफ्रीका, एक साइड है वेस्ट इंडीज़ की टीम। एक चीज़ ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी, वेस्ट इंडीज़ की टीम आपको पता है वैसे प्लेयर नहीं है फिलहाल उनकी टीम में, जो कि भाई पहले हमें देखने को मिलते थे, चाहे वो T20 की बात कर लो आप लोग या फिर बात कर लो भाई वनडे इंटरनेशनल मैचेज की, ठीक है? तो साउथ अफ्रीका इस मैच में मेरे हिसाब से फेवरेट रहेगी, ये ध्यान रखना। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा भाई बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 3 T20 मैच की सीरीज में और भाई क्लीन स्वीप कर दिया, मतलब कोई सिंगल मैच तक वहां पे जो है इंग्लैंड की टीम को विन नहीं करने दिया, तो चीजें किसी भी साइड जा सकती है, लेकिन ऑन द पेपर देखा जाएगा साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, 200 से कम का जो स्कोर है ना इस वेन्यू पे 7 बार बन चुका, मतलब एक लो स्कोरिंग वेन्यू रहेगा, विकेट्स आपको जरूर गिरते हुए दिखेंगे, शायद उतना बड़ा स्कोर ना बने, तो बॉलर्स को आप लोग अपनी टीम में मैक्सिमम यहाँ पे ट्राई जरूर कर सकते हो, ठीक है? नीचे चलोगे रिसेंट मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू पे, और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। जो लास्ट मुकाबला थी इस वेन्यू पे 22 अक्टूबर 2017 को हुआ था। अब यहाँ पे देखोगे साउथ अफ्रीका ने 369 का बड़ा स्कोर किया था। अब ये चीज़ नहीं है कि भाई लो स्कोरिंग वेन्यू है तो हर मैच में लो स्कोर ही बनेगा, हो सकता है 300 का भी बन जाए, 280 भी बन जाए, 350 भी बना दे, जैसा कि इस मैच में देख सकते हो 2017 में ये मैच हुआ था, 369 साउथ अफ्रीका ने लगाए थे, बट चेज करते टाइम बांग्लादेश केवल 169 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। सेकेंड मैच देखोगे वेस्ट इंडीज़ ने 122 करे, और मैं आपको वैसे भी क्लियर कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ उतनी बढ़िया टीम नहीं है। नीचे देखोगे साउथ अफ्रीका ने 124 एक बना के चेज कर दिया। थर्ड मैच में चलेंगे, यहाँ से श्रीलंका ने 236 करे, साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट 237 बनाए, चेज कर लिया। फोर्थ मैच में जिम्बाब्वे ने 152, जिम्बाब्वे की तो देखो मैं ज्यादा बातें करूंगा नहीं, क्योंकि
अगर आप लोग इन टीम्स के साथ में कंपेयर करोगे ना, तो जिम्बाब्वे की टीम तो भाई वैसे भी आपको पता है काफ़ी वीक टीम है, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने 156 बनाए 4 विकेट पे, मेरे हिसाब से ये 4 विकेट भी ज़्यादा ही चले गए साउथ अफ्रीकन टीम के। फिफ्थ मैच की बात करूँ, 9 फरवरी 2005, देखो बहुत पहले की बातें हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से इनका आपको ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, क्योंकि 2005 की बातें लगभग आज से 17 से 18 साल हो चुके, और उस टाइम भाई कुछ अलग विकेट था, अब आपको कुछ अलग विकेट देखने को मिलेगा, बट मेरा फ़र्ज़ आपको स्टैट्स दिखाना। 311 करे साउथ अफ्रीका ने, इंग्लैंड ने 304 करे थे, लेकिन इनको छोड़ दो आप लोग, जो मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखो यहाँ से जो मेन मैच है वो तो 2017 का मैं समझूंगा, क्योंकि 2015 का मैच भी अगर देखोगे तो लगभग 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक ऑन एन एवरेज वेन्यू रहेगा, बड़े स्कोर की उम्मीद मत करना, लेकिन एक्चुअल जो फाइनल पिच रिपोर्ट निकल के आएगी ना, देखो लास्ट मैच यहाँ पे 2017 में हुआ था, अगर मैं ओडीआई की बात करूँ, मतलब अभी भी देखोगे तो कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी टॉस के टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग बैटिंग वेट रहेगा, बॉलर्स को फेवर रहेगा, वो चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर उसके बाद अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना जो रहेगा वो टीम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आओगे यहां से देखो हेड टू हेड मैचेस की बात करें दोनों टीम्स के बीच में, देखोगे जो लास्ट मैच हुआ था वो 2016 के अंदर हुआ था, यहाँ से मैं आपको बता दूँ वेस्ट इंडीज़ ने 285 रन्स करे थे और भाई साउथ अफ्रीका केवल 185 कर पाई थी। सेकेंड मैच देखोगे साउथ अफ्रीका ने 343 करे 4 विकेट पे, और वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ 204 रन्स कर पाई थी और यहाँ पे चेज नहीं किया गया। थर्ड मैच में देखोगे साउथ अफ्रीका ने 188 करे, जो कि बहुत बड़ा टोटल तो है नहीं अगर मैं ओडीआई के हिसाब से बात करूँ, और वो भी भाई वेस्ट इंडीज़ की टीम के अगेंस्ट देखोगे, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भी सिर्फ 191 कर पाई 6 विकेट पे। वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि 4 विकेट से मैच को विन जरूर किया था, ये ध्यान में रखना। और भाई नीचे चलोगे यहाँ पे मैं अगर फोर्थ मैच की बात करूँ, साउथ अफ्रीका ने 408 कर दिए, यहाँ से देखोगे वेस्ट इंडीज़ ने 151 बनाए 10 विकेट पे और चेज कर लिया, ठीक है, सॉरी चेज नहीं कर पाई, साउथ अफ्रीका ने मैच को विन कर लिया, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की टीम आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी, वो चीज़ आपके सामने क्लियर है, बाकी वेस्ट इंडीज़ अगर पलटवार कर दे भाई, अगर आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल भी जाएँ तो भाई क्या ही कह सकते फिर। तो साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, जो इनकी प्लेइंग 11 मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है, डीकॉक ओपनिंग कर सकते हैं, किस प्रकार के प्लेयर आपको पता होगा, शायद मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत ना पड़े, 137 मैच 5901 रन से भाई 45 का इनका एवरेज है, ठीक है। रिजा हेंड्रिक 27 मैच में 694 27.5 के आसपास एवरेज है। टेम्बा बाउमा जो कि टीम के कैप्टन, आप देखो वनडे के हिसाब से मैं बात करूंगा, टेम्बा बाउमा आपके लिए एक बढ़िया पिक हो सकते हैं, T20 मैच होता तो शायद मैं इनको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ठीक है, बट ओडीआई मैच है, 50 ओवर का टिक के बैटिंग करेंगे, बढ़िया प्लेयर है। नॉर्मली तो देखो फ्लॉप ज़्यादा जाते हैं, चलते कम है, वो आपको पता होना चाहिए, बाकी इस मैच में परफॉर्म कर भी सकते हैं, क्योंकि 50 ओवर का ये मैच है, ना कि T20 मैच है, ठीक है। राशि महेंद्र दूषण तो इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो, आप लोग अपनी टीम में कैप्टनसी भी दे सकते हो। एवरेज भी देखोगे बंदे का 41 मैच में 1679 रन और 67.5 के आसपास एवरेज है, ठीक है, तगड़ा प्लेयर है, ओडीआई मैच का जरूर अपनी टीम में आप लोग कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। ट्रिस्टन स्टब्स जो कि एक हार्ड हिटर के रूप में खेलेंगे, 13 मैच 173 रन से 21.5 का एवरेज, और ये इनके T20 इंटरनेशनल के आंकड़े अगर खेलेंगे आपको डेब्यू करते हुए दिखेंगे ओडीआई के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम के साइड से। एंडेले फुलुकवायो एक्सपीरियंस है, 74 मैच में 742 रन 87 विकेट इनके नाम। वेन पार्नेल 72 मैच में 570 रन से 98 विकेट इनके नाम है, ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट के तौर पे खेलने वाले, वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। नीचे आओगे यहाँ पे लुंगी नगेडी 42 मैच 71 विकेट, तवरे शमसी 41 मैच में 51 विकेट। अब शमसी भी रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलेंगे, जो क्योंकि केशव महाराज जो है वो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं। नीचे आओगे एस मगाला 5 मैच में 6 विकेट, बी फॉर्चून 3 मैच में 2 विकेट, जो कि आपको स्पिन करते हुए दिखेंगे। अब इनकी साइड से मेन जो प्लेयर रहेंगे वो आपको बता दूं, देखो रिजा हेंड्रिक्स रहेंगे, विंटन डीकॉक, राशिवेंद्र दूषण, नीचे आओगे वेन पार्ले, लुंगी नगेडी, और यहां से मैं सजेस्ट करूंगा तवरेज शमसी। मतलब आप लोग अगर एक सेफ टीम बनाना चाहो आपके लिए साउथ अफ्रीका की साइड से ना, ये प्लेयर बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल आपको आगे बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। नीचे आओगे यहां से मैं बात करता हूं भाई वेस्ट इंडीज की टीम की, इधर देखोगे साई ऑफ जो की टीम के कैप्टन है, 104 मैच में 4308 रन से 48 का एवरेज है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखे चलना, बढ़िया प्लेयर है, टिक के बैटिंग करेगा, अगर स्टार्टिंग में विकेट नहीं जाता है 5 से 7 ओवर इनका, श्योरली ये बंदा बड़ी पारी खेल के जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, विकेट जाएगा स्टार्टिंग में चला जाएगा, 5-7 ओवर रुकेगा, श्योरली एक बड़ी पारी आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, वैसे भी आपको पता है ज़्यादा स्लो खेलते नहीं है, ठीक है, ये ओडीआई को भी ना T20 के हिसाब से खेलेंगे एक्चुअल में, ठीक है। 20 मैच में 431 से 23 का एवरेज है। समारा ब्रुक्स जो कि सेकेंड प्लेयर मिलेगा वेस्ट इंडीज़ की साइड से, जो कि टिकाऊ बल्लेबाज है, 22 मैच में 787 रन से 37.5 का एवरेज इनका मिलेगा। निकलस पूरन ट्राई जरूर करना भाई, आपको बता दूं 52 मैच में 1555 36.5 का एवरेज। रोमन पोवल 45 मैच 897 रन 23 का एवरेज है।
मेयर्स रहेंगे 17 मैच में 486 रन से 6 विकेट है। हार्ड हिटर बल्लेबाज, आपको बता दूं बैटिंग में ज्यादा उम्मीदें करना मत, चल जाए एक अलग चीज रहेगी। बाकी ओडियन स्मिथ 5 मैच 144 60 विकेट, जेसन होल्डर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर अपने 10 ओवर की गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी में भी बढ़िया करके जा सकता है। 131 मैच में 2042 रन से 153 विकेट, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करेंगे वो ध्यान रखना, बढ़िया हाइट है, बाउंस अच्छा मिल सकता है तो उसका कहीं ना कहीं शायद बेनिफिट उठा ले। रोस्टन चेस 32 मैच 553 रन 19 विकेट, इनके नाम है, डिफरेंशियल पिक में ट्राई कर सकते हो। रोमेरियो सेफर्ड 18 मैच 214 रन 11 विकेट, अल्जेरी जोसेफ 54 मैच में 87 विकेट, अकील हुसैन 29 मैच में 234 रन के साथ में 44 विकेट इनके नाम है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, देखो नोटिस करोगे मैंने ना वेस्ट इंडीज़ की साइड से आपको 11 की जगह 12 से 13 प्लेयर के स्टैट्स प्रोवाइड करवाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डाउट रहेगा इनके ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर्स पे। जैसा कि बात करूं मेयर्स की, बात करूं ओडियन स्मिथ की, बात करूं रोस्टन चेज की, बात करूं इनमें से ना कोई एक से दो प्लेयर ही खेलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अब कोई भी खेले कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सभी के स्टेट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पिक्स की बात करूं, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे ओडीआई के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो साई होप रहेंगे, समारा ब्रुक्स, निकलस पूरन, रोमन पोवेल, ओडियन स्मिथ, जेसन होल्डर। अब देखो डिफरेंशियल में अगर रोस्टन चेज खेले ना तो फिर आप लोग अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी पूरे स्टेट्स आपके सामने अगर आपका अच्छा रिस्पांस आएगा इस वीडियो पे, मैं श्योरली आपको एक सेकंड वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बढ़िया तरीके से मैचअप आपको बता दूंगा कि कौन से बल्लेबाज को किस गेंदबाज के सामने दिक्कत हो सकती है या फिर किसका किसके सामने विकेट जा सकता है। बढ़िया रिस्पांस आएगा इस वीडियो पे, श्योरली आपको नेक्स्ट वीडियो इसी मैच के ऊपर आपको मैचअप्स की मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग एक बार चीज़ें ना अच्छे से रीड कर लेना, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार डेमो टीम दिखा दूँ किस प्रकार हम लोग अपनी जो है डेमो टीम इस मैच में क्रिएट करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन, सबसे पहले क्विंटन डिकॉक और यहाँ से भाई देखो निकलस पूरन, साई होप, तीनों को मैं टीम में पिक कर रहा हूँ। बैटिंग डिपार्टमेंट रोमन पोवेल, राशि वेंदर, दुष्यंत में नहीं छोड़ने वाला। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके जेसन होल्डर को रखूंगा, फिलहाल मैं मेयर्स को टीम में पिक नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बता दूँ, सिलेक्शन बेस चल रहा है, 83% सिलेक्शन है, आप लोग टीम में रख लेना। नीचे आओगे एंडेले फ्लुकवायो ट्राई कर सकते हो, फिलहाल मैं चलूंगा यहाँ से भैया वेन पार्नेल के साथ में। बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर आओगे अल्जेरे जोसेफ, लुंगी नगेडी, नीचे आओगे तवरे समसी, अकील हुसैन, ये मैं टीम में रखूँ, आप लोग चाहो यहाँ पे अकील की जगह ओडियन को भी रख सकते हो। दोनों प्लेयर आपको बता दूँ, अकील करेंगे स्पिन और जबकि ओडियन करेंगे फास्ट गेंदबाजी, ठीक है। बैटिंग दोनों लगभग बराबर करेंगे, यानी कि अकील भी बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, ओडियन स्मिथ भी बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। अब दोनों में से च्वाइस आपकी रहेगी, किसको लेना चाहोगे। अगर नहीं लेना चाहो यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से एक प्लेयर हटा के अदर किसी प्लेयर को, देखो सिलेक्शन वेस्ट चलना, आप लोग साई होप को हटा सकते हो अपनी टीम से, कोई इशू नहीं है। उसकी जगह आप लोग क्या करोगे, बैटिंग डिपार्टमेंट से हमारा ब्रुक्स को एज ए डिफरेंशियल ट्राई कर लो, यहाँ से भैया टेम्बा बाउमा ऑप्शन है, नीचे रिजा हेनरिक्स, जिनका सिलेक्शन भी देखोगे आपको दिखा भी दूं, यहाँ से देखो रिजा हेनरिक्स का सिलेक्शन ना 65% है, इनको टीम में पिक करोगे आपकी 11 प्लेयर की टीम क्रिएट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं साई हो भाई टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन विकेट देखो अगर स्टार्टिंग में अपना संभाल के खेल के चला गया ना, यानी कि 5 से 7 ओवर अगर बढ़िया बैटिंग कर लेना रुक के, श्योरली भाई एक बढ़िया पारी आएगी। और फर्स्ट ही मैच में आप लोग यूनिक में ट्राई कर लो, क्योंकि केवल 30 से 35% सिलेक्शन है, क्योंकि एक मैच में अगर परफॉर्म करेगा ना फिर नेक्स्ट मैच से हर बंदा टीम में पिक करने लग जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। ट्राई करना इसी मैच में कर डालो, मैं हो सकता है मेरी टीम में साई होप के साथ में जरूर जाऊं, आपको बता दूं, ठीक है। कोई भी अगर इनमें से कोई प्लेयर मिस करके अगर मैं यहाँ पे साई होप को टीम में पिक करूंगा, आपको टेलीग्राम पे अपडेट जरूर करूंगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात आएगी, देखो अगर बैटिंग के हिसाब से देखोगे क्विंटन डिकॉक रहेंगे, ठीक है, राशि वेंदर, दुष्यंत, वन ऑफ द बेस्ट पिक आपके लिए रहेंगे कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के, ठीक है। जेसन होल्डर 10 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग मिल जाएगी, बैटिंग जरूर आएगी इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के विकेट्स तो बॉस मैक्सिमम गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है। बाकी अगर और ज़्यादा आपको बड़ा रिस्क लेके खेलना है ना, तो आपको मैं ऑप्शंस यहाँ से बता दूँ, पिक करना है ना तो फिर वेस्ट इंडीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कर लो आप लोग, क्योंकि साउथ अफ्रीका की साइड से अगर मैं बात करूँ ना तो आपको ये कॉमन पिक्स मिलेगी। अगर मैं बात करूंगा क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर, राशि वेंदर, दुष्यंत ना, ये कॉमन प्लेयर्स है जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ से रोमन पोवेल है डिफरेंशियल बहुत बढ़िया, निकलस पूरन डिफरेंशियल बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, जरूरत पड़ेगी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। नीचे ओडियन स्मिथ बहुत बढ़िया पिक मिल जाएंगे, बैटिंग के साथ में प्रॉपर गेंदबाजी मिलेगी। ट्राई करना चाहो अल्जेरी जोसेफ या फिर रोमेरियो सेफर्ड भी अगर आप लोग टीम में पिक करो ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोमेरियो सेफर्ड आपको गेंदबाजी के साथ में भाई प्रॉपर बल्लेबाजी भी करके देगा। और वेस्ट इंडीज़ की टीम के साइड से ना ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि बात कर लूँ ओडियन स्मिथ की, यहाँ से बात करूँ अल्जेरी जोसेफ की, जेसन होल्डर की, रोमेरियो सेफर्ड की, रोस्टन चेज की, ये वो प्लेयर रहेंगे जो कि गेम चेंजर पिक हो सकते हैं इस मैच में, ये आप लोगों को मेरी टिप रहेगी। बाकी आप लोग जिसके हिसाब से टीम बनाना चाहो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिस्क लेना है आपको, ये 4 से 5 प्लेयर बता चुका हूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में, वेस्ट इंडीज की साइड से किसी को भी ट्राई कर लेना अपनी टीम में, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा। भाई पसंद आया ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।